Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अरशद वोहरा ने पार्टी बदली तो डिप्टी मेयर शपथ बरजमान क्यों हैं? पाक सरजमीन में चले गए तो ओहदा भी छोड़ें। केएमसी सिटी काउंसिल के हंगामा खेज इजलास में सूरत हाल पर गौर, अरशद वोहरा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इम्कान। मेयर के खिलाफ केएमसी बिल्डिंग पर बैनर्स भी लग गए। अरशद वोहरा ओहदा छोड़कर आवाम की खिदमत करते तो अच्छा होता। अफार का मौकिफ, हुक्कामे बाला से ये सवाल भी किया कि बताया जाए एमक्यूएम पाकिस्तान की सरगर्मियां कब बहाल होंगी। एमक्यूएम का नाम नहीं रहेगा, नई पार्टी बनाई जाएगी जिसका सरबराह होगा ये जरूर जहन में रख लेना, कोई भी होगा दुबई से होगा। एमक्यूएम का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। एमक्यूएम खत्म होकर एक नई जमात बनेगी जिसका सरबराह दुबई से होगा। मंजूर वसान की पेशगोई, ये भी कहा कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से टकराएंगे, नवंबर अहम है। नवाज शरीफ सजा से बचने के लिए एनआरओ करना चाहते हैं। इमरान खान का इल्जाम, कहा नवाज शरीफ को कौम के नुकसान का कोई एहसास नहीं, वो बैरून मुल्क अपने 300 अरब रुपए मुंजमद होने से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के फैसले मुल्क के अंदर नहीं हो रहे, लगता है उन्हें पाकिस्तान की सियासत पर यकीन नहीं। बाबर आवान का लंदन इजलास पर तंज, फौरन ही मुल्क को दरपेश बहरान का हल है। कोई ऐसा दूसरा मुल्क नहीं है जिसकी सियासत, रियासत, मईशत और मुस्तकबिल के फैसले मुल्क से बाहर बैठ के हो रहे हों। हाउस ऑफ शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा, शरीफ के दोनों बेटों की जायदाद की कुर्की शुरू, हसन और हुसैन नवाज की मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स मुंजमद किए जाएं। एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को हिदायत, रेफरेंस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की 3 एहतसाब रेफरेंसेस को एक करने के लिए एहतसाब अदालत के खिलाफ दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नवाज शरीफ के वकील आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करें, हुक्मनामे का मतन। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में ना डालना दोहरा मयार है। एतजाज एहसन की तनकीद, कहा नैब सिंध और पंजाब में अलग अलग तरीके से काम कर रही है, चेयरमैन नैब को बड़े इम्तिहान का सामना है। नवाज शरीफ को सजा, शदीद अवामी रद्द अमल होगा। पार्टी क्यादत तब्दील हुई तो लीडर का फैसला पार्टी ही करेगी। शेख रशीद के पास 70 क्या 7 आदमी भी नहीं, राना सनाउल्ला की आदमी उससे गुफ्तगु। आम इंतखाबात का वक्त पर इनकाद अव्वलीन तरजीह है, इलेक्शन कमीशन के पास टाइम कम है। स्पीकर अयाज सादिक की नई हल्का बंदियों के पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगु। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वफाकी काबीना में कल मुशावरत होगी, मुख्तलिफ ममालिक के साइदों की मंजूरी भी दी जाएगी। आयशा गुल अली करप्शन केस में वाहिद गवाह नूर जमान के कत्ल के बावजूद तहकीकात जारी रहेंगी, आयशा गुल अली को पेश होना पड़ेगा, एहतसाब कमीशन का फैसला। नूर जमान ने एहतसाब कमीशन को सबूत फराहम किए थे। आर्मी चीफ से ईरान के सफीर मेहदी हुनरदोस्त की मुलाकात, आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, पाक ईरान सरहद मैनेजमेंट, दिफाई उमूर पर बातचीत की गई। ईरानी सफीर का बेहतर ताल्लुकात कर काम करने का अज़्म। इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की आज आखिरी तारीख, एफबीआर की वेबसाइट पर ट्रैफिक का रश, लॉग इन न होने के बायस रिटर्न जमा कराने को मुश्किल का सामना। तिक्के भूमते हो तो धुआं क्यों उड़ता है, सियालकोट के थाना मुरादपुर की पुलिस ने का फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कांग्रेस रहनुमा और साबिक भारतीय वजीर चिदंबरम भी पाकिस्तानी मौकफ के हमनवा बन गए, मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस ने बयान से लातालुकी जाहिर कर दी, बीजेपी का भी शदीद रद्द अमल। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत का मामला, सदर ट्रंप के 3
امریکہ کے خلاف سازش منی لانڈرنگ اور جھوٹ بولنے کے الزامات میں فرد جرم عائد ایک سال پہلے ہی کہا تھا الزامات غلط ہیں میری انتخابی مہم کا روس سے کوئی تعلق نہیں تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ